क्यों कि अगले जब चुनाव आएंगे तो उसमें भी फिर इन्होंने इसी बात को रोना है कि हम कच्ची कॉलोनियों को पास कर रहे हैं, हम उन मकान मालिकों को 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दे रहे हैं, जबकि मालिकाना हक वो क्या देंगे, वो तो ऑलरेडी अटॉर्नी पे बैठे हुए हैं, उनको क्या हटा सकते हैं, क्या इनकी बिसात है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको हटा दे, हटा के दिखा दे, फिर काहे का मालिकाना हक दे रहे हो। जो मिशन दिल्ली का जो प्रोग्राम हमारा है उसमें मिशन दिल्ली में हम यही लेके चल रहे हैं कि जो लोग ये 70 सालों से जो राजनीति में गंदगी है, हम इसकी सुधार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम जब कहीं इलाकों में जाते हैं तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि उन पे विश्वास किया जी, आप पे विश्वास क्यों करें। तो देखिए, लोकतंत्र में कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो ये जो पार्टी हैं, जो इन्होंने पार्टियों में बिजनेस के अड्डे बना दिए हैं और जो ये उद्योगपतियों से फंड लेते हैं और उसकी सूचना भी इन्होंने बैन लगा दिया सूचना देने पे भी, तो ये सही माने में लोकतंत्र आ ही नहीं सकता देश में, क्योंकि लोकतंत्र कहाँ से आएगा। अब मैं उद्योगपति से फंड ले रहा हूँ और जब मैं बैठ जाऊँगा सरकार में तो मुझे उसकी योजना लागू करनी है, उसे कैसे फायदा पहुँचेगा, तो कहाँ से लोकतंत्र आएगा। लोकतंत्र को इन्होंने गला घोट दिया। और जो आपने बात कही है कि जी सही माने में जो चुना गया है विधायक, वो तो कोई पार्टी या ऐसा तो चुनाव आयोग से है ही नहीं। तो आप देख लो महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने, जनता ने तो वोट दे दिया ना, चुन के भेज दिया विधायक, क्या सरकार बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया, लाखों करोड़ रुपए गवर्नमेंट का बिल्कुल पानी की तरह बहाया गया, पूरी मशीनरी 2-3 महीने जो है सिस्टम पूरा खराब रहा और अब वहाँ राष्ट्रपति शासन है। तो क्या लोकतंत्र है, आपने जो वोट दिया क्या उसकी रक्षा हुई? वो तो वहाँ तो पार्टी तंत्र का राज है, कुछ लोगों का राज है, नहीं जी हटिए, ये मेरे इतने गुलाम हैं, मैं जैसे कहूँगा वैसे करो, ये मेरी गुलाम। ये तो अंग्रेजों से बड़ा आज हमें काला दिन देखना पड़ रहा। इनसे 1000 गुना अच्छे अंग्रेज थे, वहाँ न्याय मिलता था लोगों को, शिक्षा उस समय, शिक्षा में व्यवसायीकरण नहीं था, शिक्षा लोगों को फ्री थी, उस समय न्याय दूध का दूध पानी का पानी होता था। आज न्याय के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं और जो असली लोकतंत्र है, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ पब्लिक अपने वोट का अधिकार और चुन के विधायक को भेज दिया और आज वे विधायक अपनी सरकार नहीं बना रहे, तो ये लोकतंत्र है, ये भाई साहब पार्टी तंत्र है। और इस पार्टी तंत्र में भी कुछ लोगों का जो हिटलर शाही है, मैं तो इसे हिटलर शाही का नाम दूंगा, ये हिटलर टाइप लोग हैं कि सरकार नहीं बना रहे। आप कह रहे हैं कि वो, तो मुझे बताइए जिस जनता ने आपको चुन के भेजा उसके वोट का आपने क्या मान रखा, ये लोकतंत्र है? तो ये लोकतंत्र नहीं है। इस देश में उद्योगपतियों द्वारा इस देश के सारे संसाधनों को बेचा जा रहा है। कुछ दिन में आप देख लेना BSNL MTNL, उनके पास लोगों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। और कुछ दिन में वो देख लेना सारे परिसर, सारी जमीन किसी उद्योगपतियों को दे दी जाएंगे और वो उद्योगपति वो होंगे जब सरकार चुनाव लड़ेगी 2024 का, कोई भी सरकार हो उसको वो चंदा देंगे और इतना चंदा देंगे कि वो RTI के दायरे में भी नहीं है और उनके चंदे का कोई पता नहीं है, इन्होंने कितना चंदा कैसे किस हिसाब में पार्टी को दिया। तो मेरे देश के वासियों, अभी समय है, अभी आप ये चोट कर सकते हो, वरना ये देश में इस तरीके की मोनोपोलोसी ला देंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो उद्योगपति हैं, पहले तो ये जो उद्योगपति हैं इनका कोई देश नहीं होता, पहली बात तो ये है, उनका हर देश में उद्योग चल रहा, हर देश में व्यापार चल रहा, यहाँ अगर किसी तरीके की कोई अराजकता फैलेगी तो अपना वो दूसरे देश में चले जाएंगे, उनके पास कोई कमी नहीं। तो ये जो उद्योगपतियों की सरकार है और जो ये कुछ कॉरपोरेट घराने सरकार को चलाते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये सही माने में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि आप जनमानस के लिए जो उनके भलाई के कार्य हैं वे करने चाहिए। आप जनमानस की, आम आदमी की ये डिमांड है कि जो शिक्षा में व्यवसायीकरण हो रहा है, जो शिक्षा की जो इन्होंने व्यवसायीकरण करके और जो शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है हमारी, ये पूरे देश में हम इस आंदोलन को चलाएंगे कि जो ये शिक्षा का व्यवसायीकरण है ये बंद हो, हर आदमी को, गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, सुदामा हो, एक जगह उनकी शिक्षण संस्थान रहे और जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है ये पूरी तरीके से बंद हो।
क्योंकि इससे भ्रष्टाचार फैला है, क्योंकि बच्चे का जन्म भ्रष्टाचार, जहां वो स्कूल कॉलेज नर्सरी में जा रहा है वहीं से वो भ्रष्टाचार सीख रहा है। तो देश के लिए हम एक अच्छा नागरिक नहीं बना रहे, और वो देश में जब बड़ा होता है तो वो हर एक समय करप्शन को देखता है और उस करप्शन में रह जाता है। और अशोक जी की बात को एक छोटे से उदाहरण से पूरी करता हूँ। आप सभी दिल्ली के वासी हैं, आपने दिल्ली में यहाँ बूथ देखे हैं दूध के, मदर डेयरी के, और ये तो क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ दिल्ली के अंदर मदर डेयरी के बूथ ज़्यादा हैं या अमूल के बूथ ज़्यादा हैं? मदर डेयरी के बूथ ज़्यादा हैं। लेकिन अब आपको इसके पीछे की सच्चाई बताता हूँ, जो शायद आप जागरूक कर पाए या ना वो आपके ऊपर रहेगा। मदर डेयरी एक दिल्ली की बनाई हुई संस्था थी, दिल्ली के लोगों द्वारा थी, और आज जो व्यापारीकरण की इन्होंने बात कही कि सत्ता में आने के बाद मदद करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है जनाब। आज दिल्ली की दूध की डिमांड 50 लाख लीटर से ऊपर है, जिसमें से मदर डेयरी इतने बूथ होते हुए सिर्फ 8 से 10 लाख लीटर पर बच गया है। जो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उन्होंने उस पर कैप्चर कर लिया है। आज अमूल 38 से 40 लाख लीटर रोज दूध की सप्लाई आपके दिल्ली में करता है। आप ये चीज चेक करें। ये देखो, दिल्ली मिशन का जो उद्देश्य है, जो मिशन दिल्ली है, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में एक स्वच्छ वातावरण बने, स्वच्छ राज हो, जो भी पार्टी यहाँ पे काम करे वो अच्छी तरीके से करे। इसी उद्देश्य से हमने जनता को जगाने का एक काम किया, और इसके माध्यम से हमने मिशन दिल्ली के माध्यम से एक हमने जनसंवाद कार्यक्रम चालू किया। नवंबर 3 से हमने ये कार्यक्रम चालू किया, उससे पहले हमने दिल्ली पुलिस को परमिशन ली, और हमने ये 3 तारीख से हमने ईस्ट दिल्ली से जनसंवाद कार्यक्रम चालू कर दिया। उसके बाद जैसे ही जैसे जनसंवाद हम पब्लिक में जाने लगे, मोहल्ले मोहल्ले गली गली में जाने लगे, लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। हमने कहा कि भाई पानी बिजली तो आपको फ्री मिल रहा है, तो वो बिल लेके आ गए हमारे पास कि हमारे पास 60,000 का बिल है, हमारे पास पानी का 25,149 रुपये का बिल मेरे पास आया कि साहब ये पानी का बिल है। तो मैंने कहा कि आप क्या होटल चलाते हो या कोई ऐसा कोई कारोबार है, पानी का सेल कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, एक बुढ़िया अम्मा थी, तो उन्होंने कहा बेटा मैं 2-3 बच्चे हैं मेरे और छोटा सा एक घर है 25 गज का, उसका ये बिल है। तो मैंने कहा कि फिर ये इतना बड़ा बिल कैसे आ गया? बोले मेरे पास तो फ़ोन भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आके या तो सेटलमेंट कर लो या तुम्हारा पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। जब मैं गई वहाँ पे जल बोर्ड में जब मैं गई, तो मेरे से कहते हैं कि ये तो आपको जमा करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक किस्त में करो, चाहे 2 किस्त में करो, चाहे 3 किस्त में करो, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 रुपये हम आपको छूट दे देंगे। तो इस तरीके की जो समस्याएँ जनसंवाद के थ्रू हम पे आने लगी, और केजरीवाल सरकार की जो पोल खुलने लगी, तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ के नितिन त्यागी जी को खड़ा किया, और उन्होंने 15 तारीख को पांडव नगर में पहला जनसंवाद किया। बहुत ऊंची मचान बनाकर, स्टेज बनाकर, बहुत बड़े बड़े बोर्ड और बैनर लगा के, पोस्टर लगा के पूरी ईस्ट दिल्ली को सजा दिया। और मैंने वहाँ जाके देखा उस प्रोग्राम में, तो मालूम पड़ा मेरे को कि वो अपने केवल 4 साल 4.5 साल की जो कहानियाँ हैं बस वही गा रहे हैं कि हमारी शिक्षा ऐसी हो गई, हमारे स्कूल ऐसे हो गए, हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया। खैर, हमने उस प्रोग्राम से कुछ नहीं लेना था। 17 तारीख को इन्होंने फिर दोबारा बुद्ध मार्ग मंडावली में इन्होंने किया। 17 तारीख को हमारा भी प्रोग्राम था यहाँ पे SDM गीता कॉलोनी, वहाँ पे किशन कुंज है, वहाँ पे हमारा एक कार्यक्रम था, क्योंकि वहाँ से शिकायत बहुत ज़्यादा आई थी, उन्होंने उनकी डिमांड थी कि एक बार और किया जाए। तो हम वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, 4 से 6 का हमारा प्रोग्राम होता है। करीब 6:15 बजे किसी का उनके पास फ़ोन आया, पुलिस वालों के पास, कि साहब वो जो वहाँ पे जनसंवाद कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम को भड़का रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। तमाम पुलिस आ गई, साहब 3-4 तो पुलिस आ गई, 100 नंबर की 2-4 मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले आ गए, और आके उन्होंने हमसे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या है, कैसे है, इसकी परमिशन कहाँ है। तो वो सब चीज़ हमने अपने मोबाइल से और वैसे सब दिखाई। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं मानेंगे जी, आप
को थाने चलना पड़ेगा। आपने पानी की बात की, पानी को लेकर आपने जन संवाद वहाँ शुरू किया। जी, पानी बिजली सारी समस्याओं को लेकर। देश में दूध की नदियाँ बहती थी, वहाँ 20 रुपए लीटर पानी बिक रहा है। जी, ये देश का सौभाग्य कहेंगे या दुर्भाग्य कहेंगे? सर ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 70 साल से, अब मैं बताता हूँ आपको कि इन्होंने 1797 कॉलोनियाँ पास की हैं। केंद्र सरकार कहती है मैं पास कर रही हूँ और केजरीवाल सरकार कह रही है मैं पास कर रही हूँ। मैंने इनसे पूछा लेटर डाल के कि क्या मेरे को ये बताया जाए कि आपके पास जो सीवर का पानी जो निकलेगा उसकी योजना क्या है, उस पानी को आप कहाँ लेके जाएंगे, यदि जो नाले ऑलरेडी जमुना में मिल रहे हैं उन्हीं नालों में अगर मिलाना है तो बेकार है, या तो आप उस पानी को कहीं इकट्ठा करें और इकट्ठा करके प्यूरीफाई करें और उसका दोबारा उपयोग किया जाए। लेकिन इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है, केवल ये जुमलेबाजी है। सन 1994 से कच्ची कॉलोनियां दिल्ली में पास की जा रही हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली का और उन कच्ची कॉलोनियों का जो आज तक वो पास नहीं हो पाए, और मुझे उम्मीद नहीं लगती कि आगे भी चल के शायद ये पास हो जाए। क्यों कि अगले जब चुनाव आएंगे तो उसमें भी फिर इन्होंने इसी बात को रोना है कि हम कच्ची कॉलोनियों को पास कर रहे हैं, हम उन मकान मालिकों को 40 लाख लोगों को मालिकाना हक दे रहे हैं, जबकि मालिकाना हक वो क्या देंगे, वो तो ऑलरेडी अटॉर्नी पे बैठे हुए हैं, उनको क्या हटा सकते हैं? क्या इनकी बिसात है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको हटा के दिखा दे, फिर काहे का मालिकाना हक दे रहे हो? गुमराह करना बंद कर दें ये राजनीतिक पार्टियां। नहीं, जनता जिस दिन भड़क जाएगी उस दिन तुमको उखाड़ के ऐसा फेंकेगी कि कभी दोबारा आने का नाम नहीं होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।